Hello students, how are you? Fine? Okay, good. I'm also fine. Okay students, अब हम next chapter शुरू करने वाले हैं. फिर ये मैं आपको जो आपने पहले 7 से लेके 12th आपने chapter जो आपने notebook में लिख लिया होगा, जो नहीं लिखा है तो आप complete कर लेना. Okay students, so अब हम next chapter शुरू करेंगे. लेकिन जो आपको जो भी प्रॉब्लम पड़ेगी पड़े तो वो आप मुझे पर्सनल फोन कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, जो समझ में ना आए तो. ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, फील्ड्स एंड फेंसेस. फील्ड्स यानी क्षेत्र एंड फेंसेस यानी वाड़. जो लैंड होती है, लैंड वो उसकी उससे जो वाड़ उससे जो बाउंड्री होती है तो उसे फेंसिस बोलते हैं. ओके, सो हम स्टार्ट कर देंगे. रेमत इज अ फार्मर. रेमर वो खेडूत है. ओके, फार्मर यानी खेडूत. ही ग्रो वेट इन हिज फील्ड. जो उसने उसके खेत में लैंड में उसने क्या बोया है, वेट यानी उसे क्या बोलते हैं, गेहूं. ओके, सो आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड. हाउ मच वेयर सोल्ड आई बाय. यहाँ क्या बोलते हैं कि जो उसने मेरे जो यहाँ पे जो मेरा जी जो नीड है, जो फेंसिस जो उसे किसकी जरूर है, बाउंड्री की, बाउंड्री में फील्ड यानी फेंस की जरूर है. ओके स्टूडेंट, सो आगे क्या बोलता है, जो उसे कितने वायर खरीदने पड़ेंगे जो उसकी अपनी लैंड में बाउंड्री देनी है तो बताओ. सो अब हम आगे देखेंगे. ओके, जैसे कि उसके फिर पहले इसके आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ. देखो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग द फील्ड इज इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. यानी यहाँ पे क्या बताया है, जो ये आंसर था, ये इसका जो मीनिंग है कि यहाँ पे जो बाउंड्री बताई गई है जो उससे यहाँ से लेके यहाँ से फरते तक इसके बराबर इक्वल होनी चाहिए, जो जब उसी की वायर उसे बराबर होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. कैन यू फाइंड इज From these pictures, see the length of each side written near it. So यहाँ पे क्या बताया है, जो रहमत है जो इस फाइंड की उसे लेंथ जानना चाहता है, ये इसकी बाउंड्री है. ओके स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे क्या बताया, ये जो पिक्चर बताया गया है जो उससे आधार पे हम यहाँ पे मीटर भी बताए गए उसके आधार पर हम ये इसकी लेंथ यानी लंबाई हम सोच सकते. ओके, सो जो अब हम उसकी हम लंबाई देखेंगे. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे क्या बताया है, देखो कि 21 मीटर्स, 9 मीटर्स, 9 मीटर्स एंड 15 मीटर्स. ओके, सो आपको देखो यहाँ पे ये आपको एक ड्रॉ करना है पिक्चर. ओके, 9 मीटर, 21 मीटर, 9 मीटर एंड 50 मीटर. ओके, सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्या है, क्या बताइए यहाँ पे, देखो नाइन मीटर, 15 मीटर्स एंड 21 मीटर्स. सो 9 मीटर, 9 मीटर 18, 18 प्लस 15. ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 31 यानी 3. ओके, सो 21 3, 1, 4 एंड 3, 2, 5 क्या आंसर आया. सो आंसर क्या आएगा, 5. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे. देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, 54. एंड द बाउंड्री इज 54 मीटर्स लॉन्ग. ओके, इसका आंसर है 54. सो उसे 54 उसे बाउंड्री के यानी लॉन्ग मीटर वायर चाहिए. ओके स्टूडेंट, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. रहमत वाउंड अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस. ओके, सो यहाँ पे क्या बताया है, रहमत के पास 70
मीटर्स क्या है, वायर, ओके, जो उसे जो वो फॉर फेंस, जो उसके पास वार है, फेंसेस, ओके, जो ये वो वायर है जो वो बाउंड्री मारते ही से उसने खरीदा है, ओके. सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट, आई सॉल्ड ऑल्सो डू द सम फॉर माई फाइल्ड. ये भी जो गणपत बोल रहा है कि मेरे भी इस फाइल में मैं वैसा ही करूंगी जो आपने किया है, वैसा ही मैं आप करना चाहता हूँ अपनी फाइल में, ओके. सो ये क्या है, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू, आई से आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड. सो यहाँ पे यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका जो बचा हुआ वायर है वो आप मुझे दोगे, सो मैं अपनी फील्ड में यूज करूंगा, ओके. सो ये अब रमत आंसर दे रहा है, ओ श्योर, वाई नॉट, यस, मैं क्यों नहीं दूंगा, देगा, ओके. सो आंसर, हाउ मच वायर डिड रमत गिव टू गणपत. सो उसने गणपत को कितना वायर उसने दिया होगा, सो अब उसका मैं आपको बता रही हूँ, ओके. देखो यहाँ पे रहमत, सो आपने ये आंसर, आप ये पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ओके, गिव टू गणपत, वहां से रहमत से. नेक्स्ट जो आंसर, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है, 17 मीटर, जो गणपत ने लिया है. यूज बाय रहमत फॉर बाउंड्री, उसने 54 यूज किया था, ओके. सो विथ आफ्टर यूज, जो 17 में से 54 माइनस करोगे तो कितने बचे उसके पास, बताओ, 16 मीटर, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था, जो गणपत रहमत से वायर मांग रहा है वही क्वेश्चन है, ओके. सो क्वेश्चन, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू, आई विल यूज दिस फॉर माई फील्ड, ओके. सो उसका आंसर क्या आएगा, सो देखो यहाँ पे 16 मीटर वो गणपत को देगा, ओके स्टूडेंट्स. आंसर आएगा 16 मीटर, ओके. सो यहाँ पे आंसर आएगा 16 मीटर, ओके. सो अब नेक्स्ट देखते हैं, गणपत थैंक इट रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग इज ओवन फील्ड. सो यहाँ पे क्या बताया, जो गणपत ने रहमत का खुद शुक्रिया माना, जो उसने थैंक्सिंग बोला एंड वो अपनी जो अपनी फील्ड में उसने वायर बांधने के उसने फिनिशिंग करने की शुरू की है, फिनिशिंग करना शुरू कर दिया, परंतु लेकिन 16 मीटर से उसे ज्यादा उसे चाहिए, वो उसे कम पड़ा. सो हाउ, तो उसे कितना चाहिए, बट ही नीड टू गेट मोर वायर, सो उसने कितनी जरूरत पड़ेगी. सो हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड्स, बाउंड्री इस गणपत की टोटल बाउंड्री की मीटर कितना है. सो अब हम ये देखते हैं, देखो यहाँ पे टोटल बाउंड्री उसकी कितनी है, सो 9 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर्स, 9 मीटर एंड 18 मीटर, ओके. सो ये सब अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ये सब ये पिक्चर, ओके. सो ये यहाँ पे मीटर बताए गए, लेकिन आपको उससे सिर्फ टोटल करना है. सो देखो मैंने यहाँ पे टोटल किया है, 9 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर, 18 मीटर, टोटल इज इक्वल 66 मीटर, ओके स्टूडेंट्स. सो अब नेक्स्ट देखेंगे, आंसर क्या आया, 66 मीटर, ओके स्टूडेंट. सो नेक्स्ट, हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड. सो अब यहाँ पे अब क्या बताए, सो अब आप गणपत को और कितनी जरूर पड़ेगी वायर को, वायर की, सो ये भी हम देख लेते हैं. चलो, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड 66 मीटर टोटल है उसकी, ओके. सो लेंथ ऑफ वायर गिवन बाय रहमत टू गणपत, रहमत ने गणपत ने कितनी दी थी बताओ, 16 मीटर, ओके. सो दैट लेंथ ऑफ मोर वायर्स नीड बाय गणपत, वो 66 में से माइनस कितना करेगा, 16, ओके. सो उसकी बाउंड्री कितने मीटर है, 66, और गणपत ने उसने कितनी दी थी, 16 मीटर,
ओके सो 66 में से 16 माइनस कर, टोटल ये है ओके सो उसमें से ये 16 माइनस कर देगा सो आंसर क्या आएगा 15 टोटल इज इक्वल 15 उसे वायर की जरूर पड़ेगी अपनी फील्ड में बाउंड्री में ओके स्टूडेंट्स सो आपको पता चला तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ओके सॉरी स्टूडेंट्स ओके सो यहाँ पे अपना पाठ पूरा करती हूँ और आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पर्सनल फोन कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स थैंक यू